डिंग 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 भाई देखें ये अभी मैं आपको बताता हूँ, मेरे बड़े अच्छे भाई दोस्त यहाँ मिले हैं उस्मान भाई। ये जो बिल्डिंग आप सामने देख रहे हैं, ये बिल्डिंग अगर कराची में हो तो इसका एक फ्लैट जो है 10 या 20 लाख से ज़्यादा का नहीं होगा। गुलिस्तान जौहर का एक अपार्टमेंट लग रहे होंगे आपको। और यहाँ जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं ये आप देख रहे होंगे बिल्कुल नॉर्मल सी, लेकिन उस्मान भाई ने एक बड़ी अलग सी बात। उस्मान भाई पहले तो इतना है ना, अच्छा उस्मान भाई पहले तो ये बताएं कि ये जो बिल्डिंग है ये कौन सी जगह है? दिस इज अजमेर रोड। अच्छा, लेकिन ये बिल्डिंग का नाम क्या है? कोई नाम है? बिल्डिंग का नाम है क्वारन लिंक्स टावर्स। अच्छा, इसकी खास बात ये है कि भाई यहाँ पर एक कमरे का अपार्टमेंट कितने का है? नियरली 3 मिलियन पाउंड मिनिमम। 3 मिलियन? 3 मिलियन कितने हो गए पाकिस्तानी? जो पाकिस्तानी डेफिनेटली 50 करोड़ से ज्यादा है। 50 करोड़ का एक कमरे का? एक कमरे का, एक कमरे का। अच्छा, और ये मोस्टली सारी ओन्ड बाई हमारे पॉलिटिशियंस जितनी हैं सारी उनके पास है, ये बिल्डिंग भी, वो बिल्डिंग्स भी, इसके बैक पे भी। अच्छा, मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताता हूँ कि देखें जो पाकिस्तान एम्बेसी जो है हमारी, बड़ी ज़बरदस्त एम्बेसी है, बहुत कोऑपरेटिव भी है, लेकिन जो उसके एम्बेसडर कहेंगे, क्या कहेंगे, जो हमारे हाई कमिश्नर हैं यहाँ पे, एम्बेसडर ही कहेंगे ना? जी जी, जो हाई कमिश्नर साहब हैं, क्या नाम है उनका? हाई कमिश्नर का नाम हमें नहीं पता। अच्छा, मुझे नहीं पता। अच्छा, तो जो साहब हैं वो रहते हैं वो इस बिल्डिंग में नहीं, वो कहाँ रहते हैं? बिशप्स एवेन्यू। बिशप्स एवेन्यू लंदन का सबसे एक्सपेंसिव एरिया है। अच्छा, तो वहाँ कौन कौन है? ब्रुनाई का, वहाँ पे लाइक ब्रुनाई का पैलेस है, मिथल स्टील मिल वाला हो गया, ठीक है, कजाफी के बेटे का मेंशन। तो ये एम्बेसडर के पास इतने नोट कैसे आ रहे हैं? या ये हुकूमत पे करती है ना, मेरी हुकूमत किराया पे करती है। और किराया आपको पता कितना है? 16,000 पाउंड एक वीक का। 16,000 पाउंड। अच्छा देखिए, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, मैं आपको एक बता रहा हूँ, अल्लाह जिसको देना चाहे दे, अगर हमारे पास भी पैसा हो तो हम यही कर रहे होते। तो बात ये नहीं है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम तो सिर्फ फैक्ट्स बता रहे हैं, और ये तो अल्लाह मियाँ के हाथ में कि किसको कितना दे दे। फैक्ट ये है कि राइट पॉलिटिशियन चूज करो, जो तुम्हारा पैसा तुम्हारे मुल्क में रखे और हम लोगों पे लगाए, पाकिस्तानियों पे लगाए। नहीं, अच्छा वो बताएं, वो जो वहाँ का किराया कितने हैं जहाँ वो एम्बेसडर रहते हैं, जो हुकूमत पे करती है? एक महीने का जो किराया है ना, वो नियरली 60-70 हज़ार पाउंड के करीब है, ठीक है। तो इसका मतलब है नियरली 1 करोड़ से ज़्यादा उसका एक माह का किराया ही यहाँ पे। उनकी तनख्वाह कितनी होती होगी? तनख्वाह तो मुझे नहीं पता एक मिस्त्री कितनी होगी, मेरा नहीं ख्याल है ज़्यादा होती होगी, लेकिन हुकूमत 1-6 करोड़ रुपया अगर पे। और वहाँ ब्रुनाई का किंग रहता है, कौन रहता है? ब्रुनाई के किंग का मेंशन भी वहाँ पे है, इवन के जितने मोस्टली जो मित्तल सीन मिला उसका मेंशन वहाँ पे है, कजाफी के बेटे का मेंशन भी वहाँ पे है, और इवन के यहाँ का जो गोल्ड स्मिथ है उसका मेंशन भी वहाँ पे है। और इन सब के बीच में किराए पे जो है वो एम्बेसडर साहब रहते हैं, सेम रोड के ऊपर, बिशप्स एवेन्यू, और लंदन का सबसे महंगा एरिया है। और यहाँ पर ये रहमान मलिक साहब का घर कहाँ पे? वो कॉर्नर पे आगे। अच्छा, ये वाला उनका घर है? नहीं नहीं, आगे आप जाएंगे ना थोड़ा सा तो लेफ्ट पे, इसका नाम है नॉर्फॉक एवेन्यू नंबर 25, रहमान मलिक साहब का घर है। और इस घर की बहुत हिस्ट्री है, क्योंकि यहाँ पे जितनी बीपी मोहतरमा शहीद हर मीटिंग यहाँ पे होती थी। अच्छा अच्छा, ठीक है, बल्कि अभी भी पॉलिटिकल वाले से पीपी को लेके ये घर की बहुत इंपॉर्टेंस है, जितनी भी पीपल पार्टी की मीटिंग्स होती हैं सारी इस घर के अंदर होती है। अच्छा, वैसे ये बात तो है कि रहमान मलिक जो है बहुत, जितने भी पॉलिटिशियंस है ना उनमें इंतहाई फ्रेंडली, इंतहाई जो है ना काइंड इंसान। पीपल्स पार्टी की वैसे एक बात है खास यार, मैं बताऊं, किसी की सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन जरदारी साहब की और इन सब की खास बात है, जितनी भी लड़ाई हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, ये कॉम्प्रोमाइज करके सब सेटलमेंट करके एक तरफ, कोई ईगो इशू नहीं है इनमें, बिल्कुल कोई अनापरस्ती नहीं, और ये इनकी जीत है, बिल्कुल। तो ये मुझे बताएं कि ये कितना होगा इसका रेंट या किराया खरीदा भाई इन्होंने यहाँ पे? क्योंकि मैं प्रॉपर्टी को डील करता हूँ, यहाँ पे जो इनका घर है इसकी मार्केट वैल्यू कम अज कम भी 8 मिलियन पाउंड की होगी। 8 मिलियन पाउंड कितने हो गए पाकिस्तानी, हम गरीब लोगों को बता दें थोड़ा। 8 मिलियन कम से कम भी नहीं, 20 करोड़ के लगभग तो है, 20-25 करोड़ का घर है। माशाल्लाह, ये अपार्टमेंट है, घर है? घर है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बड़े घर हैं, 5-7 बेडरूम हाउसेज हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा, तो उस्मान भाई ये बताएं कि आपके ख्याल में यहाँ अगर कोई पाकिस्तानी सेटल होना चाहता है, अच्छा यहाँ और किसका घर है? ये जो सामने परवेज मुशर्रफ साहब का अपार्टमेंट, ये परवेज मुशर्रफ साहब का? जी बिल्कुल सामने। ये कौन सा एरिया, कौन सा है? हाइड पार्क क्रिसेंट। हाइड पार्क क्रिसेंट जी। यहाँ ये कितने कीमत होगी इसकी? मुशर्रफ साहब जब आई डोंट नो के वो सेल कर रहे थे कि नहीं थे कर रहे, लेकिन हमने सुना था मार्केट में सेल के लिए है, तो वो 3 मिलियन पाउंड मांग रहे थे। 3 मिलियन पाउंड कितने हो गए? ये भी लगभग 7-8 करोड़ है पाकिस्तान का, इतना ही है क्योंकि वन। इतने नोट कैसे आ रहे हैं भाई, ये क्या चक्कर है भाई? अच्छा, तो मतलब और चौधरी शुजात साहब का भी घर यहाँ पे, मोनस का भी? अच्छा अच्छा, तो ये मुझे बताएं कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के घर हैं, तो ये चीज़ जो है ये बता रही है, हमारे जितने पॉलिटिशियंस हैं ना।